उत्तराखंड में लॉकडाउन के बीच देहरादून वार्ड नंबर 67 के पार्षद देवेंद्र रावत ने गरीब मजदूरों और विकलांगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। पार्षद देवेंद्र रावत ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई जारी है। इस बीच प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सबसे प्रभावित गरीब मजदूर और विकलांग हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने क्षेत्र के गरीब मजदूरों व विकलांगों को 500,000 रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राशि से गरीब व विकलांगों को थोड़ी आर्थिक मदद देने की कोशिश की गई। मैं वार्ड नंबर 67 से पार्षद हूँ रविंद्र रावत। जो ये वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व ही ग्रसित है, इसको देखते हुए जो आज हमारा उत्तराखंड लॉकडाउन की घोषणा हुई है, जो 31 मार्च तक चलेगी, इसमें जो मेरा अपना मानना है कि सबसे ज़्यादा जो मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उसको सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। उसको देखते हुए मेरे क्षेत्र के कहीं गणमान्य लोगों ने मुझे इसमें सहयोग किया है। मैंने उन्हें 500 से 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। इसमें जो मेरे क्षेत्र के विकलांग व्यक्ति और जो गरीब मजदूर होगा, जिसका BPL कार्ड, श्रमिक, इस टाइप से हमने अपनी तरफ से अपने गणमान्य लोगों की सहयोग से इनको 500 से 1,000 रुपये देने की।